हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो रूपेश की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज जो है ना, हम बटाटा वड़ा बनाने वाले हैं और ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट हैं। आप इस तरीके से बना के देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, स्क्रिप्ट ना कीजिएगा और जाते जाते चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है ना, मैंने बेसन का आटा लिया है, तो मैं इसमें डालूंगी आधा चम्मच हल्दी और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। अब हमने क्या करना है, हमें लेना है पानी और धीरे धीरे करके इसमें पानी डालेंगे और हिसाब से पानी डालिएगा। एक साथ पानी नहीं डालना इसमें, क्योंकि हमें इसको अच्छे से स्मूथ सा पेस्ट बनाना है, ना कि पतला बनाना है, ना ही हमें ज़्यादा गाढ़ा बनाना है। तो हम इसको धीरे धीरे करके इसमें पानी डाल रही हूँ मैं इसमें, और आप जिस तरीके से मैं कर रही हूँ आप उसी तरीके से कीजिएगा। और मैं इसको लगातार इसको फैट रही हूँ, जाके इसमें गुठलियाँ ना पड़े। तो फिर से मैं इसमें 2 चम्मच पानी डाल रही हूँ और इसको फिर से इसको घुमा रही हूँ। तो इस तरीके से हमें इसको 1 से 2 मिनट तक घुमाना है। तो ये हमारा जो है बेसन बन के तैयार हो चुका है। इस तरीके से देखिए, गुल गुल बढ़िया सा पेस्ट हमारा तैयार हो गया। अब इसको हम 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे, ताकि जो हमारा बेसन है थोड़ा सा फूल जाएगा। फूल जाएगा अगर आपको गाढ़ा लगे तो थोड़ा सा पानी 2 चम्मच और घेर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं। आलू को सबसे पहले हम क्या करेंगे, कढ़ाई लेंगे, उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल। तेल को गर्म हो जाएगा, इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, जैसे कि मैंने डाला इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच डालूंगी मैं इसमें सरसों, और सरसों से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसको थोड़ा सा हम भूनने देते हैं ताकि धीमी सी इसमें खुशबू नहीं आ जाती। तो ये हमारे तैयार है। अब इसमें मैंने डाल दिए इसमें कड़ी पत्ता। अच्छा, कड़ी पत्ता आप डालो तो थोड़ा दूर हो जाइएगा, क्योंकि ये तेल में डालने के बाद चटकते हैं। तो मैंने इस तरीके से इसमें डाल दिए तो मैं दूर हट गई थी। तो अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच हल्दी। जो आलू हम जो बनाएंगे उसमें बहुत अच्छा हल्दी का कलर आता है, तो मैंने इसमें डाल दी 1/2 चम्मच हल्दी। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे ये प्याज, जो हमने 1 प्याज ले रखी थी और उसको हमने बारीक छोटा छोटा काट रखा था। इसको हमें भूनना नहीं है। अब इसके बाद हमने जो आलू ले रखे थे मैश करके, इनको हमें इसमें कढ़ाई में डाल देना। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्ची। मैं इसमें लाल मिर्ची नहीं डालूंगी, तो मैंने इसमें 4 से 5 हरी मिर्ची को छोटा छोटा चॉप कर रखा था, और साथ में डाल दिया मैंने इसमें हरा धनिया, और अब डाल दूंगी मैं ऊपर से नमक। अब इसके बाद इसमें हम कोई मसाले नहीं डालेंगे, सिर्फ यही मसाले में हमने दी। आलू का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट आएगा इसमें जब हम बड़े बनाएंगे, तो हमें कोई मसाले नहीं डालने। अब इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है, ताकि जो आलू में सारे मसाले सारा फ्लेवर एक दूसरे से मिक्स हो जाए। और इसको फिर हम मिक्स होने के बाद हम इसको रख देंगे ठंडा होने पर। तो उसके बाद हमने इसमें छोटी छोटी एक लोई की तरह बॉल्स बनानी है, जैसे हम पेड़ा एक रोटी का लेते हैं उस तरीके से बनानी है। तो हमारे आलू जो है ना अच्छे से मिक्स हो गए। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो देखिए, मैंने जो है एक प्लेट में निकाल लिए थे, तो ये ठंडे हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, हाथ पे लगाना है थोड़ा सा तेल, और इसको एक हम जो रोटी की लोई नहीं बनाते उस तरीके से हमने इसको गोल गोल बनाना है। देखिए, इस तरीके से हम इनको सभी को बना के रख लेंगे। तो हल्के हाथों से हम इस तरीके से सारे पेड़े बना के रख लेंगे। अब मैंने यहाँ पर लिया है तेल। तेल को हमने गर्म होने के लिए रख दिया था, और मैंने सारी बॉल्स बना के तैयार कर ली थी। अब हमने क्या करना है, बेसन में उस बॉल्स को डालनी है और ऊपर से चम्मच की सहायता से बेसन डालना है, जो हमने घोल के रख रखा था। इस तरीके से हमें चम्मच की सहायता से इसको तेल में छोड़ देना है,
और गैस को जो है ना हम मीडियम रखेंगे, उसको हम हाई फ्लेम पे नहीं पकाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसमें बहुत ही आराम से इसको छोड़ दिया है। अगर आप हाथ से डालना चाहते हैं आप हाथ से भी डाल सकते हो, तो मैं चम्मच से डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर सभी को इसमें तेल में छोड़ दिया था, अब ऊपर से डाल रही हूँ मैं इसमें तेल, गरम गरम तेल हम ऊपर से डाल देंगे ताकि जो हमारे बड़े हैं वो ऊपर से भी सिक्के तैयार हो जाएं। तो इसको हम 1 मिनट तक ऐसे ही रहने देंगे, फिर उसके बाद इसको पलट देंगे हम। अब हम इसको दूसरी साइड से भी सेक लेते हैं। तो ये देखिए जो हमारे जो है ना बड़े सिक्के तैयार हो गए हैं, कितने बढ़िया लग रहे हैं और कलर बिल्कुल बढ़िया से आया है येलो कलर। तो ये देखिए हमारे जो है इसी तरीके से हम सारे सिक्के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मेरे बड़े बन के तैयार हो चुके हैं और मैंने साथ में बनाई है लहसुन की चटनी। और ये देखिए आप इसमें ब्रेड बंद किसी में लगा के खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा और बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट और मुलायम बने हैं ये। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए रूपेश की रसोई।